गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको आहार एवं पोषण फूड्स एंड न्यूट्रिशन विषय पढ़ा रही हूँ। और फूड्स एंड न्यूट्रिशन के सिलेबस के अनुसार हमारे 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और 7वां चैप्टर मिनरल्स यानी खनिज लवण हम इन दिनों पढ़ रहे हैं। खनिज लवणों में पहला खनिज लवण हम कैल्शियम के बारे में इन दिनों पढ़ रहे हैं। तो कैल्शियम में आज कैल्शियम के भोज्य स्रोत और कैल्शियम का RDA यानी दैनिक मांग और कैल्शियम की कमी के प्रभाव हम पढ़ेंगे। तो पहला हम लेते हैं कैल्शियम के भोज्य स्रोत। कैल्शियम कई सारे भोज्य पदार्थों में पाए जाते हैं और उनमें दूध और दूध से बने पदार्थ सबसे अच्छे बेस्ट सोर्सेज होते हैं, क्योंकि जब हम दूध से कैल्शियम लेते हैं तो उसमें, जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि कुछ फैक्टर्स जो हैं वो कैल्शियम के अवशोषण में मदद करते हैं। उसमें प्रोटीन होना चाहिए, लाइसिन होना चाहिए और कैल्शियम और फास्फोरस का रेशो सही होना चाहिए। तो वो दूध में कैल्शियम फास्फोरस भी होता है, उसमें लाइसिन भी होता है, उसमें प्रोटीन भी होता है। तो दूध जो है वो एक कंप्लीट प्रोटीन है और दूध एक सर्वोत्तम आहार होता है हमारे संसार में। तो दूध और दूध से बने पदार्थ कैल्शियम के बेस्ट सोर्सेज होते हैं और वो हमको इजीली एब्जॉर्बेबल भी होते हैं, आराम से अवशोषित भी हो जाते हैं। उसके अलावा तिल और रागी, इनमें भी कैल्शियम हमको मिलता है। और छोटी फिशेज अगर मान लो बोन्स के साथ खाई जाए तो छोटी मछलियों में भी कैल्शियम होता है। उसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती है, पालक, मेथी, बथुआ, इन सब में भी कैल्शियम अच्छी मात्रा में हमको मिल जाता है, बशर्ते कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो ऑक्सैलिक एसिड और फाइटिक एसिड्स जो उनमें है उनको हटाने के लिए हमें कोई प्रोसेसेस करने हैं या उसमें विटामिन सी अम्लीय माध्यम करना है, तो वो अगर हम ध्यान रखेंगे तो कैल्शियम जो है वो बेस्ट सोर्सेज होते हैं हरी सब्जियों से, क्योंकि वो ईजी अवेलेबल है, हरी सब्जियाँ सस्ती है और आराम से सब जने उनको ले सकते हैं। सेकेंड हम टॉपिक लेंगे कैल्शियम का RDA, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, मतलब कैल्शियम की दैनिक आवश्यकता। कैल्शियम की दैनिक आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग एज ग्रुप उनके लिए अलग अलग होती है। और जो अलग तरह से जो ज़्यादा वर्क करते हैं उनमें भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बाकी अलग अलग जो एज ग्रुप है उनके लिए तो कैल्शियम बिल्कुल थोड़े थोड़े मात्रा में उनमें डिफरेंस होता है। जैसे पुरुष को एक दिन में 400 मिलीग्राम प्रतिदिन, मतलब एक दिन में 400 मिलीग्राम कैल्शियम खाना चाहिए। तो कैलकुलेट करके दूध से लिया है, तिल से लिया है, रागी से लिया है, और भी चीज़ों से होता है, तो इस तरह से कैलकुलेट करना है कि 400 मिलीग्राम प्रतिदिन एक पुरुष को कैल्शियम खाना है। और महिला भी एक दिन में, उसकी भी रिक्वायरमेंट 400 मिलीग्राम ही होती है। लेकिन महिलाओं में जब वो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग होती है, मतलब गर्भवती और धात्री अवस्था में होती है, तो दोनों ही अवस्थाओं में उनको 1 ग्राम, मतलब 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन कैल्शियम की ज़रूरत होती है, गर्भावस्था के दौरान भी और धात्री अवस्था के दौरान भी। तो पुरुष और महिला जो सामान्य होते हैं, सामान्य पुरुष और महिला को तो 400 मिलीग्राम प्रतिदिन कैल्शियम की ज़रूरत होती है, लेकिन गर्भावस्था और धात्री अवस्था में 1000 मिलीग्राम यानी 1 ग्राम प्रतिदिन कैल्शियम की ज़रूरत होती है। जो शिशु होते हैं, 0 से 12 माह के बच्चे, उनमें 500 मिलीग्राम प्रतिदिन कैल्शियम की आवश्यकता होती है। फिर बालक जो 1 से 9 वर्ष तक के होते हैं उनको 400 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। 10 से 12 वर्ष के बालक, भले वो लड़कियां हो या लड़के, उनको 600 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। 13 से 15 वर्ष के जो किशोर बालक या बालिकाएं हैं उनको 600 मिलीग्राम कैल्शियम की ज़रूरत होती है प्रतिदिन। और 16 से 18 वर्ष के किशोर और किशोरियां, किशोर बालक और बालिकाएं, उनको 500 मिलीग्राम प्रतिदिन कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से ये RDA टेबल है, ये बिल्कुल ऐसे वैलिड वैल्यूज़ हैं, ये हमको ICMR ने बना के दी हुई है, तो इसी के अनुसार हमको लेना चाहिए कैल्शियम। इससे
इससे कम बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, नहीं तो कैल्शियम की बीमारियां हो जाती है, कैल्शियम की कमी से जो बीमारियां होती है वो पैदा हो सकती है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैल्शियम की कमी के प्रभाव, डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ कैल्शियम। अगर हमारे शरीर में पर्याप्त कैल्शियम नहीं है, मतलब हमने भोजन से पूरा कैल्शियम लिया ही नहीं है, तो कैल्शियम की कमी हो सकती है। दूसरा कारण है कि कैल्शियम तो लिया है लेकिन उसका अवशोषण पूरा नहीं हो पा रहा है। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि अवशोषण को बढ़ाने वाले कौन से कारक हैं और बाधक कारक कौन से हैं। तो कैल्शियम लिया तो है लेकिन वो पूरा अवशोषित नहीं हो पा रहा है, तभी कैल्शियम की कमी हो सकती है। और अगर पर्याप्त विटामिन डी नहीं लिया है तब भी कैल्शियम की कमी हो सकती है, क्योंकि पर्याप्त विटामिन डी होगा तो ही कैल्शियम को वो अवशोषित करने में मदद करता है। और लास्ट है कि कैल्शियम और फॉस्फोरस का अगर सही रेशो होता है, जिस रेशो में वो सहायक कारक होते हैं, तो ही कैल्शियम का अवशोषण होगा। और अगर उसका रेशो सही नहीं है, 1:1 और 2:1 रेशो नहीं है अगर कैल्शियम और फॉस्फोरस का, तो कैल्शियम अवशोषित नहीं होता। और इन सब के कारण कैल्शियम अवशोषित नहीं हो पाएगा, हमारे शरीर में नहीं मिल पाएगा, तो कैल्शियम की कमी हो जाती है। वो किसी भी व्यक्ति में कैल्शियम की कमी हो जाएगी अगर ये कारण उनमें होंगे तो कैल्शियम की कमी से कई बीमारियां हो जाती है। बच्चों में टिटेनी अपतानिक रोग हो जाता है, या फिर बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है, या वयस्क जो लेडीज होती हैं उनमें ऑस्टियोमलेशिया अस्थि मृदुता रोग हो जाता है, या फिर बूढ़ों में ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। तो पहला है अपतानिक यानी टिटेनी। टिटेनी में कैल्शियम लेवल कम हो गया, रक्त का जो रक्त में जितना कैल्शियम लेवल होना चाहिए, तो रक्त का कैल्शियम लेवल जैसे ही कम होता है तो जो तंत्रिका तंतु होते हैं, वहाँ जो नर्व फाइबर्स होते हैं, वो एक्साइट हो जाते हैं, वो उत्तेजित हो जाते हैं, और उससे हाथ पैर की उंगलियाँ मुड़ जाती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, जैसे मिर्गी जैसा हो जाता है, वो अपतानिक की दशा कहलाती है, उसे हम टिटेनी कहते हैं। टिटेनी में ब्लड कैल्शियम, रक्त कैल्शियम का जो स्तर है वो कम हो जाता है, और रक्त कैल्शियम स्तर कम होने से वहाँ के जो तंत्रिका के तंतु हैं वो उत्तेजित हो जाते हैं, और उनके उत्तेजित होने से हाथ पांव कांपते हैं या फिर हाथ पैर की उंगलियाँ मुड़ने लगती है, उसे हम अपतानिक की दशा कहते हैं। दूसरी जो कमी का प्रभाव है, जो बीमारी है, वो है रिकेट्स। रिकेट्स बच्चों में होती है, और अगर बच्चों ने पूरा कैल्शियम और विटामिन डी नहीं खाया हुआ है या फिर उनको अवशोषित नहीं हुआ है, तो बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। और जब रिकेट्स हो जाती है बच्चों में, तो उनके कुछ लक्षण यानी कुछ उनमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो रिकेट्स जब बच्चों में हो रखी है तो कुछ लक्षण इस प्रकार हैं, जैसे पहला लक्षण है कलांतराल, फॉन्टेनेल्स। कलांतराल का मतलब ये है कि जो फ्रंटल बोन होती है, ललाटा अस्थि, उसका जो ऊपर छेद होता है, छोटा बेबी जब पैदा होता है तो यहाँ जो फ्रंटल बोन होती है उस जगह जिगजैग वाली आरी जैसी वहाँ जॉइंट्स होते हैं, बाद में वो जुड़ जाता है और एक ही हड्डी बन जाती है। तो जब तक एक साल का या 1.5 साल भी लग सकता है जिसके कैल्शियम विटामिन डी कम हो, तो यहाँ एक छोटा सा छेद जैसा होता है, तो अगर कैल्शियम की कमी होती है तो कलांतराल मतलब फॉन्टेनेल्स हो जाता है। उनकी जो ललाटा अस्थि का जो छेद होता है वो देर से बंद होता है, कई बार जो ललाट है बाहर की तरफ निकल जाता है, तो चौकोर ललाट दिखाई देता है, और जो खोपड़ी जो है स्कल है वो थोड़ी सॉफ्ट यानी नरम हो जाती है, खोपड़ी नरम हो जाती है, ललाट चौकोर दिखाई देता है, और ललाट का छेद देर से बंद होता है रिकेट्स में, जो कलांतराल लक्षण है उसमें। दूसरा है कि रिकेट्स में कमजोर और भंगुर अस्थियां हो जाती हैं, मतलब बिल्कुल वीक हो जाती हैं, और ब्रिटल थोड़ा सा लगते ही टूट जाती हैं। तो कमजोर और भंगुर अस्थि इसलिए होती है क्योंकि जो लॉन्ग बोन्स होती है, लंबी अस्थियां जो भी है, हाथ की ह्यूमरस या पैर की फीमर, तो जितनी भी लॉन्ग बोन्स हैं उनके जो जोड़ होते हैं वो चौड़े हो जाते हैं, लॉन्ग बोन्स जो हैं लंबी अस्थियां उनके सिरे चौड़े हो जाते हैं, इसलिए वो कमजोर और भंगुर हो जाती हैं। और अगर मान लो
पैर की अस्थियां कमजोर हो गई तो पांव धनुष आकार के हो जाते हैं, घुटने यहाँ हैं तो ये धनुष आकार के हो जाते हैं। उसके अलावा जब कैल्शियम की कमी है तो कलाई, घुटने और टखने, इन सभी के जो जोड़ होते हैं वो बहुत वीक हो जाते हैं, और जो मतलब इनके जो जोड़ कम कमज़ोर होके और कैल्शियम की कमी होती जा रही है, तो इन सब में जैसे घुटने का जोड़ खराब हुआ और वो नॉक नीज मतलब एक दूसरे से भिड़ने लगते हैं, तो घुटने टकराने को कहते हैं नॉक नीज। कैल्शियम की कमी से घुटने, कलाई, इन सब के जोड़ खराब हो जाते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, तो उनको हम नॉक नीज कहते हैं। पेट की जो मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, और जो पैर की मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर होने से बच्चा देर से चलना शुरू होता है। उसके अलावा जो रिब्स होती हैं, पसलियां, तो पसलियां जहां जुड़ती हैं आगे से, आगे जो है वो स्टर्नम होती है, उरोस्थि, वक्षस्थल की अस्थि, तो वक्षस्थल की अस्थि आगे होती है और पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, तो पीछे रीढ़ की हड्डी से और आगे उरोस्थि से इस तरह से जुड़ी हुई होती है पसलियां, पूरा एक घर बनाया हुआ होता है गोल गोल सा, उसके अंदर सारे सॉफ्ट ऑर्गन्स हमारे हृदय और लिवर और लंग्स और यकृत और वो सब रहते हैं उसमें। तो जो ये रिब्स होती हैं पीछे रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई है, आगे उरोस्थि यानी वक्षस्थल की अस्थि से जुड़ी हुई है, तो जो आगे वक्षस्थल की अस्थि से जहाँ जुड़ी हुई है उस जगह एक गुंडी नुमा, जहाँ जहाँ से जुड़ी हुई है, 12 जोड़ी रिब्स होती हैं, 7 जोड़ी ऊपर होती हैं, 5 जोड़ी नीचे होती हैं, तो जो जहाँ से जुड़ी हुई है वहाँ गुंडी नुमा एक गोल 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 मोती जैसा बन जाता है और गुंडी नुमा आकृति हो जाती है। तो अगर आगे की तरफ हम देखें, जो भी रिकेट्स वाला बच्चा है उसको आगे की तरफ से अगर देखा जाए तो वहाँ माला जैसी डिज़ाइन हो जाती है, उसकी छाती में एक छोटी 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 माला, मोती मोती दिखाई देते हैं, तो माला जैसी दिखाई देती है क्योंकि कैल्शियम की कमी है, और उसे हम रैकेटिक रोजरी कहते हैं। रैकेटिक रोजरी मतलब माला जैसी जगह बन जाना वहाँ, क्योंकि कैल्शियम की कमी है और जहाँ रिब्स जुड़ी हुई है उरोस्थि से वहाँ वो गोल गोल हो जाती है। उसके अलावा जो छाती की अस्थि है, जो उरोस्थि है, वो थोड़ी आगे आ जाती है, थोड़ी ऊपर निकल जाती है और कबूतर के जैसी दिखाई देने लगती है, कबूतर के शेप जैसी, इसलिए हम उसे पिजन चेस्ट यानी कबूतरी सीना भी कहते हैं। ये सब रिकेट्स में लक्षण दिखाई देते हैं। उसके बाद में कैल्शियम की जब कमी होती है तो वयस्क जो महिलाएं होती हैं, जो बहुत बार प्रेग्नेंट होती हैं, गर्भवती बार बार हो रही हैं, लेकिन उनको सूरज की किरणें भी नहीं मिल रही हैं, क्योंकि सूरज की किरणों से विटामिन डी प्राप्त होता है हमको, तो विटामिन डी अगर पर्याप्त होता है तो कैल्शियम की कमी भी नहीं होती है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जो वयस्क औरतें हैं, जो गर्भवती बार बार हो रही हैं, उनमें अधिकतर अस्थि मृदुता यानी ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी हो जाती है। ऑस्टियोमलेशिया जब बीमारी वयस्क औरतों में हो जाती है तो उनमें कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, उनकी जो पैर की अस्थियां होती हैं उनमें बहुत दर्द होता है, उनकी जो बोन्स होती हैं वो बहुत जल्दी जल्दी क्रैक होती हैं, हड्डियां बहुत जल्दी चटक जाती हैं, सीढ़ी चढ़ने में उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, और उनके सारी बोन्स जो हैं, जितनी जो हड्डियां हैं हाथ पैर की, वो बहुत ही कमज़ोर यानी वीक हो जाती हैं, स्पेशली नीचे वाली पैर की, घुटने की, तो पैर की अस्थियां वीक हो गई, पीछे मेरुदंड वो वीक हो जाता है, आगे वक्षस्थल की अस्थि वीक हो जाती है, और श्रोणि गुहा जो पेल्विक गर्डल होता है, जो हमारी पूरी बॉडी को, दोनों भागों को एक जगह करा हुआ है, तो श्रोणि गुहा की अस्थि भी वीक हो जाती है। तो इस तरह से ये सब वीक होने से जो अस्थियां हैं वो विकृत रूप ले लेती है, और विकृत में या तो वो सपाट भी हो सकती है और टेढ़ी मेढ़ी मुड़ भी सकती है, ऑस्टियोमलेशिया यानी अस्थि मृदुता रोग में। लास्ट है ऑस्टियोपोरोसिस।
ऑस्टियोपोरोसिस बूढ़े लोगों में ज़्यादा होता है और इसमें हड्डियों का जो घनत्व होता है, जो भारीपन होता है, वो ख़त्म होने लगता है। और उसके ख़त्म होने से जो लक्षण दिखाई देते हैं, पीठ में दर्द रहता है, फिर उसका वज़न कम हो जाता है व्यक्ति का जिसके ऑस्टियोपोरोसिस हो रखा है, वज़न कम हो जाता है, उसके दांत बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं और रीढ़ की हड्डी, जांघ की हड्डी, पैर गर्दन की और हाथ की हड्डियों का आम टाइम पे मतलब रेगुलरली वो टूट जाती हैं, बहुत जल्दी जल्दी टूट जाती हैं। और जिनके ऑस्टियोपोरोसिस है उनका ब्लड क्लॉट जो होता है, जो खरूंट होता है, खून जब कट लग जाता है, खून निकलता है तो वहाँ खरूंट बन जाता है, ब्लड क्लॉटिंग जिनको कहते हैं कि रक्त का थक्का, तो वो थक्का बनने में भी इन लोगों के परेशानी आती है, थोड़ा लंबा टाइम लगता है, क्लॉट में भी टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो आज जो पढ़ाया है उसको वापस से ब्रीफ कर देती हूँ मैं कि कैल्शियम के जो भोज्य स्रोत हैं उनमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट सबसे बेस्ट सोर्सेज हैं, और जो इजी अवेलेबल और सस्ते सोर्स हैं उनमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी सब्जियां होती है। उसके अलावा अगर छोटी मछलियां बोन्स के साथ खाई जाए तो कैल्शियम अच्छा मिलता है, और तिल और रागी अगर खाते हैं तो उनसे भी बहुत अच्छा कैल्शियम मिलता है। और दूध से बने पदार्थ मतलब दूध, दही, मावा, पनीर और जितने भी दूध के पदार्थ होते हैं वो अगर हम खाते हैं तो कैल्शियम हमें बहुत अच्छी मात्रा में और इजीली एब्जॉर्बेबल कंडीशन में, आराम से अवशोषित होने वाली कंडीशन में हमको मिलता है। उसके बाद में कैल्शियम का आरडीए है, अलग अलग एज ग्रुप में जो इसकी कैल्शियम की मांग होती है, दैनिक आवश्यकता होती है, वो अलग होती है। पुरुष और महिला जो सामान्य होते हैं उनके 400 मिलीग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है, गर्भावस्था और धात्री अवस्था में 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है, जो 0 से 12 माह के बच्चे हैं उनमें 500 मिलीग्राम प्रतिदिन कैल्शियम की आवश्यकता होती है, और उसके बाद में 1 से 9 वर्ष के जो बालक होते हैं उनमें 400 मिलीग्राम प्रतिदिन कैल्शियम की आवश्यकता होती है, और 10 से 15 वर्ष के जो भी लड़के और लड़कियां हैं उनमें 600 मिलीग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है, 600 मिलीग्राम कैल्शियम प्रतिदिन की आवश्यकता है, और 16 से 18 वर्ष के जो छात्र और छात्रा, बालक और बालिकाएं, लड़के और लड़कियां हैं उनको 500 मिलीग्राम कैल्शियम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। इससे अगर कम लेते हैं तो कैल्शियम की कमी हो जाती है शरीर में, और अगर कैल्शियम की कमी होती है तो कैल्शियम की कमी के प्रभाव, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, तो इनके प्रभाव तभी होते हैं जब कैल्शियम नहीं लें, या फिर विटामिन डी नहीं हो पर्याप्त, या फिर कैल्शियम फॉस्फोरस का रेशो पर्याप्त नहीं हो, या फिर कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो, तो कैल्शियम की कमी होती है। और कैल्शियम की कमी से कई रोग हो जाते हैं, अपतानिक यानी टिटेनी, उसके अलावा रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, अस्थि मृदुता और ऑस्टियोपोरोसिस। तो जो अपतानिक दशा है उसमें रक्त का जो कैल्शियम लेवल है, स्तर है, वो कम हो जाता है, उससे नर्व के इम्पल्स, जो नर्व फाइबर्स हैं, तंत्रिका तंतु, वो एक्साइट हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, हाथ पैर की उंगलियां और वो मुड़ जाती हैं और हाथ पैर कांपने लगते हैं। रिकेट्स जो होता है वो बच्चों में होता है जब कैल्शियम और विटामिन डी कम होता है उनमें, और उसमें लक्षण ये है कि एक तो जो खोपड़ी की हड्डी होती है, जो आगे से खोपड़ी है, वो सॉफ्ट हो जाती है, नरम हो जाती है, चौकोर हो जाती है और ऊपर का छेद धीरे धीरे बंद होता है। उसके अलावा कमज़ोर और भंगुर अस्थियां हो जाती है, उनके जो पैर के मतलब जो लंबी अस्थियां उनके सिरे हैं वो चौड़े हो जाते हैं, और पाँव अधिकतर धनुष आकार के हो जाते हैं, और कलाई, घुटने, टखने, इन सब के जोड़ भी खराब हो जाते हैं, और कई बार घुटने एक दूसरे से ऐसे जुड़ जाते हैं, नॉक नीज कहते हैं, दोनों घुटने चलते समय टकराते हैं, वो भी कैल्शियम की कमी के कारण रिकेट्स में हो जाते हैं। उसके अलावा पेट की मांसपेशियां, पैरों की मांसपेशियां सब कमज़ोर हो जाती हैं, बच्चा देर से चलना शुरू करता है, और जो रिब्स होती हैं, पसलियां, वो हमारे छाती की हड्डी से सामने जुड़ी हुई रहती है, लेकिन रिकेट्स होने पर जहां जुड़ी हुई होती है वहां गुंडी नुमा आकृति हो जाती है, तो चूंकि 12 रिब्स होती हैं पसलियां,
तो सभी जगह वहाँ एक गुंडीनुमा आकृति होने से माला का रूप ले लेती है वो, और अगर हम सामने से बच्चे को देखते हैं तो वहाँ माला जैसी दिखाई देती है, उसको हम रैकेटिक रोजरी कहते हैं। और कई बार कैल्शियम की कमी से जो रिकेट्स होता है उसमें छाती की हड्डी ऊपर भी आ जाती है, थोड़ी ऊंची आ जाती है और कबूतरी सीना जैसा दिखाई देता है, तो इसलिए हम उसे पिजन चेस्ट कहते हैं। और ऑस्टियोमलेशिया अस्थि मृदुता रोग जो है वो वयस्क महिलाओं में होता है जो बार बार गर्भवती होती है, उनको सूरज का प्रकाश सन्स रेज भी नहीं मिलती, तब उनमें अस्थि मृदुता रोग हो जाता है। उनके पैरों में दर्द रहता है, अस्थियां बहुत जल्दी क्रैक हो जाती है, चटक जाती है, सीढ़ी चढ़ने में परेशानी होती है और उनकी बोन्स इतनी वीक हो जाती है कि पैर, मेरुदंड, वक्षस्थल की अस्थि और श्रोणी गुहा की अस्थि, ये सभी अस्थियां जो है वो विकृत हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, मुड़ जाती है या फिर बिल्कुल सीधी सपाट भी हो सकती है। और लास्ट है ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी। ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो थोड़ी बड़ी उम्र में हो जाता है, पोरस मतलब थोड़े छेद छेद जैसे, मतलब जो उसका हड्डी का जो वजन होता है वो भारीपन और घनत्व बिल्कुल कम हो जाता है क्योंकि कैल्शियम का उसमें जमाव ही नहीं रहता, कैल्शियम वहाँ से हट जाता है, इसलिए उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस वयस्क महिलाओं में अधिक होता है, उनके पीठ दर्द, उनका वजन कम हो जाता है, उनके दांत जल्दी टूट जाते हैं और रीढ़ की हड्डी, जांघ की हड्डी, हाथ, ये सब, इन सब की हड्डियां जो है गर्दन की, ये बहुत जल्दी टूटना चालू हो जाती है, उनमें क्रैक्स हो जाते हैं और ब्लड क्लॉट का टाइम बढ़ जाता है कैल्शियम की कमी होने के कारण, उसमें जो रक्त का थक्का बनता है उसमें भी वो अधिक समय ले लेता है। इस तरह से जो कैल्शियम मिनरल है, कैल्शियम जो खनिज लवण है, उसके बारे में हमने आज सब कंप्लीट कर लिया, उसके कार्य, उसकी कमी, उसके स्रोत, भोजन स्रोत और आरडीए और डेफिशिएंसी सिम्टम्स। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो खनिज लवण है फॉस्फोरस, उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।